मौजूदा समय में कपास की कीमतें लुढ़ककर 8000 रुपए से लेकर 10000 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार कर रही हैं। दूसरी ओर भाव घटने के बावजूद कपास की बुआई में इजाफा देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि पिछले 2 साल से किसानों को कपास की खेती से बहुत अच्छा पैसा मिला है। वहीं सोयाबीन की कीमतों में आई हाल की गिरावट की वजह से भी किसानों का रुझान कपास की खेती की ओर बढ़ा है। किसानों को उम्मीद है कि कपास का दाम आज नहीं तो कल जरूर बढ़ेगा। आपको बता दें कि 26 मई 2022 को गुजरात की कड़ी में शंकर कपास का भाव 13,438 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, जो कि मौजूदा समय में 10,500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कपास का भाव 14,000 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर से अब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक आ पहुंचा है। हालांकि कुछ मंडियों में कपास की कीमतें 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब भी कारोबार कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि चूंकि पिछले 2 साल से किसानों को कपास में अच्छा पैसा मिला है, ऐसे में किसानों का रुझान कपास की खेती में बढ़ा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की वजह से करीब 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि वास्तविक रिपोर्ट का आना भी बाकी है और यहां सिर्फ कपास की फसल के लिए ही नहीं है, महाराष्ट्र में ज्वार, तुअर और अन्य कई तरह की फसलें होती हैं, जो कि कपास और सोयाबीन खरीफ की सबसे बड़ी फसल मानी जाती है। ऐसे में अगर कुल खरीफ क्षेत्रफल 157 लाख हेक्टेयर की तुलना में महाराष्ट्र में कपास के क्षेत्र 27% अर्थात 42,81,000 हेक्टेयर को लिया जाए तो करीब 2,03,000 हेक्टेयर में कपास की फसल को नुकसान हो सकता है, जो कि हमारे द्वारा इस साल के लिए लगाए गए अनुमान 125 से 126 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की तुलना में नगण्य है। वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में देश में कपास का रकबा 4 से 6% बढ़कर 125 से 126 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। कपास का क्षेत्रफल अभी भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहेगा। वहीं जुलाई में कम या भारी बारिश की वजह से अगर फसल खराब भी हो जाती है तो भी किसानों द्वारा दोबारा बुआई की गुंजाइश बनी रहती है और ताजा मामले में ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि अगर महीना सितंबर या अक्टूबर का होता तो स्थिति कुछ और होती। ऐसे में पिछले हफ्ते प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में कमी के साथ छिटपुट बारिश भी देखने को मिली है, जो कि फसल की प्रगति के लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2022 तक देश भर में कपास की बुआई 121,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 113,51,000 हेक्टेयर की तुलना में 6.71% ज्यादा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि मौजूदा बुआई की स्थिति को देखते हुए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।